हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खीरे के 3 ऐसे टोनर जिसको आप इजीली बना सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली समर में अगर आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, स्किन डल हो गई है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कुकुम्बर, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद जो है हमें इसे ग्रेट करना है। अब ग्रेट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जो है इसका छिलका नहीं निकालना है, इसको ऐसे ही जो है ग्रेट करना है, क्योंकि इसका छिलका भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उससे पहले आप इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके बाद जो है इसका जूस हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जो है छानना नहीं है, आप ऐसे ही जो है जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। तो कुकुम्बर जूस यहाँ पे बनकर रेडी है। इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, मिंट जूस। तो यहाँ पर जो है पुदीने का रस भी हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसके बाद जो है अब हम अपना टोनर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वांटिटी में जितनी आपको बता रही हूँ आपको उतना ही ऐड करना है, कम ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी खीरे का रस 5 चम्मच। सेम स्पून से ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 चम्मच पुदीने का रस। फिर उसी सेम चम्मच से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लेमन जूस। तो 1 चम्मच यानी कि आपका हाफ जो मीडियम साइज़ का लेमन होता है वो हाफ यहाँ पर आप स्क्वीज़ कर लीजिए। अगर आपको जो है लेमन जूस से एलर्जी है तो इसकी जगह पर आप यूज़ करेंगे वाइल्ड टर्मरिक। तो आधा चम्मच आप यहाँ पे जो है वाइल्ड टर्मरिक ले लेंगे। किचन हल्दी का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। इसके बाद जो है हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा पहला टोनर बनकर रेडी है। तो अब जो है आप इस टोनर को ऐसे ही जो है 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। आपको जो है इसे आइस ट्रे में जो है फ्रीज होने के लिए छोड़ देना है और जब भी आप फेस वॉश करें इसको आपको यूज़ करना है। इससे क्या होगा, गर्मियाँ तो वैसे भी है ही और जिन लोगों को ओपन पोर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके पोर्स जो है बहुत जल्दी श्रिंक भी हो जाएंगे। इससे जो है हमें आइस और टोनर दोनों के बेनिफिट मिल रहे हैं। सेकेंड टोनर बनाते हैं जिसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, खीरे का रस और एप्पल साइडर विनेगर। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 चम्मच खीरे का रस। तो ये 5 चम्मच हो गया था। आप जितना क्वांटिटी में ले रहे हैं उसकी जो है आपको हाफ से थोड़ा कम यहाँ पे जो है एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना है, उसको जो है आपको डाइल्यूट करना है। तो 5 चम्मच मैंने यहाँ पे खीरे का रस लिया है, तो 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। तो इतना इनफ है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं कॉटन की हेल्प से, नहीं तो आप फ्रीज कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप जो है उससे इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा इस समर में। तो ये वाला टोनर ऑयली स्किन वाले ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट टोनर हम बना रहे हैं। अब जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ये वाला टोनर है। तो इसके लिए मैं अगेन यहाँ पे ले रही हूँ 6 चम्मच खीरे का रस और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर 3 चम्मच हमने एलोवेरा जेल यूज़ करना है और 3 ही चम्मच मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी रोज़ वाटर। 6 चम्मच हमने यूज़ किए हैं खीरे का रस एंड 3 चम्मच एलोवेरा जेल, 3 चम्मच रोज़ वाटर। फिर इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा 3rd लास्ट टोनर बनकर रेडी है। इसे भी आप चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जो है इसे भी फ्रीज़ करूँगी और ये आप तीनों में से कोई सा भी एक टोनर जो है बना के यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और इसको आप डायरेक्ट अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये फ्रीज़ होके हमारे जो टोनर बनकर रेडी है। जब भी आप फेस वॉश करें
इसको जो है अपने फेस पर अच्छे से रब करना है बहुत ही हल्के हाथों से, और आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, आपकी स्किन ग्लोई भी बनेगी। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक